एक दफ़ा का जिक्र है, काफ़ी पहले की बात है। मैं उस टाइम पे अपने कॉलेज डेज में था और मैं गाड़ी चला रहा था और आई वॉज ड्राइविंग ए जीप 4x4 और मैं ये पिंडी में आपका जो पेशावर रोड है उसके ऊपर था। एंड आगे मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे सामने एक पहलवान जी जो है ना वो आ जाते हैं। अब नाउ वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पहलवान जी ना इधर हो रहे हैं ना इधर हो रहे हैं, मतलब ही इज़ डॉजिंग। कंफ्यूज। अच्छा, ही इज़ डॉजिंग, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ से एक ट्रक ओवरटेक। अच्छा, मैंने गाड़ी आज तक कर ली, आई वॉज इन द फास्ट लेन। वो बंदा ना सड़क क्रॉस करना चाह रहा था, डबल रोड थी उस पर, वो ही ट्राइंग टू क्रॉस रोड। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे सामने मैंने गाड़ी आज तक की है, मुझे ट्रक ओवरटेक कर रहा है तो मैं इधर तो जा नहीं सकता, आगे ट्रक है। सामने मेरे पहलवान साहब खड़े हुए हैं और वो हिल रहे हैं लेफ्ट। अब मुझे यू नो इज दैट सिचुएशन कि मुझे नहीं पता इन्होंने किधर जाना है। एंड इट्स अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, आई थॉट आज मेरे से बंदा मर गया, क्योंकि मैं आई वॉज इन कॉलेज एट दैट टाइम। ठीक है, सो अ यंग ड्राइवर जिसने अभी मतलब नई नई ड्राइविंग सीखी है, मैंने कहा आज पहली दफा मेरे हाथों बंदा मर रहा है। और वो ना चीजें मेरे आगे उसके फ्लैशबैक बाद होती मैं भी हैं, शायद ना मर जाऊं मैं मॉब भी की वजह से। मॉब की वजह से शायद मरूं या अब्बा जान कत्ल करने, वो एक और टॉपिक था। तो मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी मोड़ दी एंड वो मैंने गाड़ी जो है वो साइड पे एक पोल लगा हुआ था, खंबा वो जो होता है ग्रीन बेल्ट में, ग्रीन बेल्ट में वो जो खंबा सा लगा हुआ था, उस खंबे में मैंने गाड़ी मार दी। अच्छा, खंबे की जो बेस थी वो कॉन्क्रीट की थी। अच्छा, ऑल दो मेरी गाड़ी के आगे वो बुल बार भी लगा हुआ था, वो बुल बार भी अंदर हो गया, इतना जोर से लगा उसको जाके वो भी अंदर हुआ और फिर थोड़ा सा बोनेट डैमेज हुआ, बट ओवरऑल एवरीथिंग वॉज फाइन, आई वॉज ओके। नाउ आई स्टेप्ड आउट ऑफ द कार एंड आई वॉज लाइक, पहलवान साहब को जरा निबटना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज यू नो एंड प्लीज कीप इन माइंड दिस इज माई जे डेज, राइट? तो मुझे जज ना करे। तो मैंने कहा कि पहलवान साहब के साथ थोड़ा सा ना फटा होगा आज, ठीक है। तो मैं वहां से गाड़ी से बाहर निकला, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा कि गाली वाला नहीं निकाली, मैंने कहा कि यार आपका दिमाग सही है, मैंने कहा यार दिमाग सही है आपका, और मैंने कहा आंखें या बटन है तुम्हारे। अब ये बात की तो वो पहलवान साहब कहते हैं, मैं लॉन्ग ऐसा कर हाथ ऊपर किया ना, तो मैंने कहा भाई ये मतलब ऊपर की चोरी ऊपर से सीना चोरी कि गलती भी तुम्हारी, तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी ठुक गई यार, और मैं ऊपर से आप चढ़ाई कर। तो मैं फिर पड़ गया उनको। अच्छा, अब हम दोनों गुत्थम गुत्था हुए, ठीक है, मैं भी अपना उनको मुक्के शुक्के चल रहे हैं, ठीक है। एंड सो वी आर फाइटिंग एंड सो एक मॉब इकट्ठा होता है। नाउ व्हाइल वी आर फाइटिंग, तो मेरे पीछे ना मुझे फील हुआ कि कोई ऐसे कोई चीज़ है जो मुझे ना बार बार स्ट्राइक कर रही है। तो मैंने देखा एक दुबला पतला सा बंदा वो मेरे ऊपर चिमटा हुआ ऐसे करके और मुझे मुक्के मारा, हालांकि मैं उसको जानता भी नहीं कौन है बंदा। मैंने उसको उठा के जमीन पे पटक के मारा, वो पहलवान को पड़ गया। उसे कि ये टीम स्ट्रांग है, उससे मुझे आइडिया हुआ कि यार ये तो फ्री स्टाइल चल रहा है। और आप यकीन करें उधर मैंने एक मॉब देखा जो किसी के साथ नहीं था, दे वर ऑल देयर टू जस्ट हैव एन एक्सरसाइज कि मेरे साथ चलो चल के, तो चल के अगर मैंने ज्यादा तशद्दुद कर दिया तो पहलवान पे हमला कर देते हैं, क्योंकि विनिंग टीम इस वक्त ये है, ठीक है ना, तो वो लूजिंग वालों को, तो मतलब इट वॉज जस्ट अ फ्री फॉर ऑल। वो जो एक जमाने में WWE में ना रॉयल रंबल होता था, इट वॉज एन एक्चुअल रॉयल रंबल, कोई किसी के साथ नहीं है, देयर इज नो कॉज, देयर इज नो जस्टिस, नथिंग, यू कैन एंटर एंड लीव व्हेनेवर यू वांट एनी एनी टाइम। जब आप थक जाए बाहर बैठ जाए चले जाए। तो उस दिन मुझे ये बात, ये मुझे बात बहुत पहले समझ में आ गई थी कि हमारे अवाम का एक बहुत बड़ा मसला ये है, वी आर एंटरटेनमेंट स्टार्व्ड, हमें कहते चलो जी फटा हो रहा है, चलो यार थोड़ा सा हम भी एक्सरसाइज कराते हैं, बंदे लोग घुस जाते हैं। सो इसी तरह से मैं समझता हूँ हमारे यहाँ अक्सर ये जो मॉब वायलेंस वगैरह के वाकयात होते हैं, देखिए देयर इज अ टर्म इन साइकोलॉजी कॉल्ड मॉब साइकोलॉजी, राइट? मॉब साइकोलॉजी क्या होती है कि जब एक इंडिविजुअल बंदा इस तरह कभी भी एक्ट ना करता, यानी इफ यू टेक वन इंडिविजुअल आउट ऑफ दिस मॉब एंड आस्क देम, आप अकेले जाके तोड़ दे, वो नहीं करेगा। लेकिन मॉब के अंदर ना एक साइकी डेवलप होती है कि वी कैन ऑल गेट अवे विद इट बिकॉज नंबर्स है ना, तो किस किस को पकड़ेंगे, आई कैन इजीली गेट अवे विद एनीथिंग आई वांट। तो ये मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पे ये चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, और बुनियादी तौर पर इसका इलाज सिर्फ यही है कि हम ऑल्दो ये इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं लेकिन इस्लाम से बहुत दूरी की निशानी है।